हम क्रिया शरीर पार्ट वन के ऑडियो सीरीज के अंतर्गत सिद्धांतों को देख रहे थे। अभी हमने चार सिद्धांत देखे अब तक और आज हम देखेंगे पांचवा सिद्धांत, सामान्य विषय सिद्धांत। तो सामान्य विषय सिद्धांत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है क्योंकि यह सिद्धांत क्रिया शरीर में तो आता ही है, उसके साथ साथ पदार्थ विज्ञान में भी यह आता है। ये सिद्धांत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और इस सिद्धांतों को हम तभी समझ सकते हैं जब अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल्स के द्वारा हम इसे समझने की कोशिश करें। तो इसमें काफी सारे एग्जाम्पल आएंगे और उसी से हम इस सिद्धांतों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम इस सिद्धांत की महत्व जानते हैं, इम्पोर्टेंस, कि ये कहाँ कहाँ पे हमें उपयोग में आता है। तो चार पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए हैं जिसके द्वारा उसके महत्व को एक्सप्लेन किया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि दोष धातु मल में सहकार्य क्यों और कैसे होता है, यह इस सिद्धांत से समझ में आता है। तो जो दोष धातु मल के बीच में कोऑर्डिनेशन है, ये किस प्रकार से रहता है, ये समझने के लिए ये किस प्रकार से कार्य करता है। तो इसके पहले हमने जो सिद्धांत देखे हैं उससे हमें सेंट्रल आइडिया आ गई है कि दोष धातु मल ये एक दूसरे के साथ किस प्रकार से इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। इसके पहले के ऑडियो आप सुनेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। यहाँ पे मैं यही कहूंगा कि इन दोष धातु मलों के बीच में जो कुछ भी सहकार्य होता है वो एक दूसरे के कहाँ पे साधर्म्य से है तो कहीं पे विरोधी से। जैसे जो वात दोष होता है उसके जो गुण होते हैं वह कफ दोष के विरोधी गुण होते हैं और कफ दोष के जो गुण होते हैं वात दोष के विरोधी होते हैं। जिस रसों के द्वारा वात की वृद्धि होती है यानी कटु तिक्त कषाय, उसी रस के द्वारा कफ का क्षय होता है और जिस रस से कफ की वृद्धि होती है मधुर अम्ल लवण, उससे वात का क्षय होता है। तो अगर हमने देखा कि वात की वृद्धि हुई है तो हम कफ को बढ़ाने वाली चिकित्सा करेंगे यानी सामान्यतः कफ को बढ़ाएंगे तो अपने आप वात जो होता है वो कम हो जाएगा। और अगर कफ बढ़ता है तो उस वक्त सामान्यतः हम वात की चिकित्सा, वात बढ़ाने वाली चीजें कर सकते हैं जिससे कफ कम हो जाएगा। धातुओं का भी अलग अलग दोषों के साथ आश्रय आश्रय संबंध होता है। जैसे अस्थि धातु का आश्रय आश्रय संबंध हमने प्रीवियस ऑडियो में ही देखा था कि वो वात दोष के साथ होता है। पित्त दोष का आश्रय आश्रय संबंध यह रक्त और श्वेत के साथ होता है। इसके बाद जितने भी बचे हुए धातु और मल है यानी रस, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र और मल के अंतर्गत पुरुष वो मूत्र, इसका आश्रय आश्रय संबंध जो होता है वो कफ के साथ होता है। तो आश्रय आश्रय संबंध का मतलब यही होता है कि आश्रय यानी एक होता है जो किसी को आश्रय देता है और आश्रित का मतलब होता है जो किसी के अंडर कंट्रोल में रहता है, जो किसी के ऊपर डिपेंड रहता है। तो दोष जो होता है वो कंट्रोलर होते हैं इसीलिए वो आश्रय है और उसके आश्रित रहने वाले जो होते हैं वो दुष्य रहते हैं यानी धातु और मन, जिसको आश्रय आश्रय संबंध कहते हैं। और ये इंटरडिपेंडेंसी कैसे रहते हैं ये वात तथा पित्त के बारे में तो हम देख ही चुके हैं।
और कफ की जो इंटरडिपेंडेंसी है वो उसी प्रकार होती है कि कफ के साथ जितने भी ये बाकी चीजें जिनका आश्रय से संबंध रहता है जो हमने अभी देखा उससे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं। सिर्फ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की जो टेंडेंसी होती है सिर्फ वात और अस्थि के बीच में होती है, लेकिन पित्त और कफ इस दोनों में उसके आश्रित जो चीजें होती है उसके साथ वो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही रहती है। इस पॉइंट को हम धातु जब देखेंगे तो और विस्तार से देखेंगे तो आपको स्पेसिफिकली समझ में आ जाएगा कि एक विशिष्ट धातु किस प्रकार से उस दोष के साथ आश्रित रह के अपना कार्य करता है। तो ये जो पॉइंट्स है जिसमें हम उसका महत्व देख रहे थे तो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होने की वजह से अगर हम किसी भी दोष है धातु है और मल है जिसके साथ उसका साधर्म्य होता है जिसके साथ उसका आश्रय आश्रय संबंध होता है अगर वो कम हुआ है तो हम उसे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और अगर जो उसके आश्रित है उसका अगर क्षय हुआ है तो बढ़ सकता है और अगर नहीं होता है तो हम उसे कम कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर रस धातु का क्षय हुआ है तो रस धातु के क्षय में हम कफ को अगर बढ़ाते हैं तो अपने आप रस की भी वृद्धि होगी। रस धातु की वृद्धि हुई है तो हम अगर कफ के क्षय कारक चिकित्सा करते हैं तो अपने आप रस भी कम होगा। सामान्य और विशेष में सामान्य का मतलब होता है बढ़ाना, विशेष का नॉर्मली ये मतलब लिया जाता है कि कुछ स्पेशल, लेकिन यहाँ पे विशेष का अर्थ ये कहा गया है कम करने वाला, ऐसा कुछ विशेष जो जो पहले से है उससे अलग है उससे डिफरेंट है या फिर विरोधी गुण का है तो उसको कम करता है। तो ये चीजें एक दूसरे के ऊपर जिस प्रकार से डिपेंड है, अगर हमको बढ़ाना है तो हम समान चिकित्सा करेंगे और अगर हमको कम करना है तो हम उसके विरोधी चिकित्सा यानी विशेष चिकित्सा करेंगे। सेकेंड पॉइंट में ये कहा गया है कि प्रकृति अनुसार स्वास्थ्य रक्षण इसी सिद्धांत के आधार पर स्थित है। तो यहाँ पे जो प्रकृति कही गई है वो सप्त प्रकृति के बारे में कहा गया है जो तीन प्रकार की होती है, एकल प्रकृति, तीन प्रकार की होती है द्वंद्वज प्रकृति और एक होती है संप्रकृति जो हम इसके पहले के ऑडियो में देख चुके हैं। तो ये जो सप्त प्रकृतियां होती है ये इसकी ऊपर अगर हम चिकित्सा करते हैं तो हर प्रकृति के विशिष्ट गुण होते हैं। और अगर हम हमें पता है कि उस व्यक्ति की या पेशेंट की प्रकृति कौन सी है तो उसको समान प्रकृति व्याधि अगर होती है तो हमें चिकित्सा देते वक्त ज्यादा परेशानी होगी, जबकि उसकी प्रकृति है उसकी विरोधी उसे कोई व्याधि हुई है तो उसकी चिकित्सा देते वक्त हमें वो सुख साध्य होगा क्योंकि उसके शरीर में जो गुण है उसके विरोधी वो चीजें होती हैं। तो प्रकृति के अनुसार हम ये चीज जान लेंगे कि इस प्रकृति के गुण कौन से हैं और उस गुण बढ़ाने वाले आहार तथा विहार हम उस व्यक्ति को देंगे और हम उसकी व्याधि का निवारण कर सकते हैं और हम उसको स्वस्थ भी रख सकते हैं जो हम फोर्थ पॉइंट में देखेंगे। थर्ड पॉइंट में ये कहा गया है कि चिकित्सा देते वक्त सामान्य विशेष सिद्धांत का उपयोग होता है। तो हम जो भी ट्रीटमेंट देते हैं उस वक्त हमें सामान्य विशेष चिकित्सा का काफी फायदा होता है क्योंकि जो भी ड्रग्स है हर्ब्स है या भी जो कुछ भी कर्म हम करते हैं अगर इनके हमें गुणधर्म पता है तो वो हम दोषों के अनुसार धातु के अनुसार अगर कम हुआ है तो बढ़ाने के लिए उस प्रकार के हर्ब्स ड्रग्स या कर्म हम उसके ऊपर करेंगे और अगर ज्यादा बढ़ा हुआ है तो उसको उसके ज्यादा बढ़ने के बाद उसके विशेष चिकित्सा करेंगे। मान के चलिए अगर एक आध व्यक्ति को
वाद की वृद्धि हुई है, तो हम उसे स्नेहन करने वाली चीजें देंगे, यानी स्निग्ध आहार का ग्रहण करवाएंगे, उसके साथ अगर कर्म करना रहा तो हम उसका अभ्यंग करवाएंगे, उसे हम तेल का एक्सटर्नल एप्लीकेशन कर सकते हैं, इंटरनल स्नेहन के लिए हम उसको घृत दे सकते हैं। तो हमें अगर पता है कि अलग अलग हर्ब्स की गुण कौन से हैं, तो उसका उपयोग करके हम बढ़ाकर या फिर कम कर किसी भी पेशेंट की चिकित्सा कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट में ये कहा गया है कि बाह्य वातावरण से तथा बदलते हवामान से अपने आप को जोड़ने के लिए ऋतुचर्या बतलाई गई है, वही सिद्धांत पर आधारित है। तो ऋतुचर्या का वर्णन फर्स्ट ईयर में आप अष्टांग हृदय में पढ़ोगे। ऋतुचर्या में यही बतलाया गया है कि अलग अलग ऋतुओं के अनुसार आपने किस प्रकार का आहार और विहार का ग्रहण करना चाहिए। तो मैंने यही कहा था सेकंड पॉइंट में कि स्वास्थ्य रक्षण जो होता है वो हम फोर्थ पॉइंट में देखेंगे। तो ऋतुचर्या का अगर हम पालन करते हैं तो हमें किसी भी प्रकार की व्याधि उत्पत्ति होने के पहले ही हम उसका निवारण कर सकते हैं। ऋतुचर्या के द्वारा हम प्रिकॉशन कर सकते हैं, जो कहा जाता है प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, उस फार्मूला को हम यहाँ पे भली भांति यूज करते हैं। हर ऋतु में विशिष्ट दोष का संचय होता है, तो किसी और उसके अगले ऋतु में उसका प्रकोप होता है और उसके अगले ऋतु में उसका क्षय होता है। संचय प्रकोप प्रशमन इसको हम क्रिया शरीर के अंतर्गत ही जो सुश्रुत आचार्य यानी षट क्रिया काल बताया है उसमें डिटेल रूप से देखेंगे, और आप अष्टांग हृदय में भी ऋतुचर्या को डिटेल में समझोगे। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूं, जैसे वात का संचय जो होता है वो ग्रीष्म ऋतु में होता है, जबकि उसका प्रकोप उसके बाद के वर्षा ऋतु में होता है, और प्रशम यानी कम हो जाना ये होता है उसके बाद के यानी शरद ऋतु में, जबकि पित्त का संचय होता है वर्षा ऋतु में, प्रकोप होता है शरद ऋतु में, और हेमंत ऋतु में उसका प्रशम होता है। कफ का संचय शिशिर ऋतु में होता है, प्रकोप उसका शिशिर के बाद आने वाले वसंत ऋतु में होता है, और उसका प्रशम जो होता है वो ग्रीष्म ऋतु में होता है। तो ये चीजें ऋतुमानों के अनुसार होती है। उस दोष का अगर संचय हुआ है, अगर हमें पता है कि उसके विरोधी तत्वों का आहार क्या होता है, तो हम उसको ग्रहण करके उसको हम बढ़ने नहीं दे सकते। अगर प्रकोप अवस्था में भी आया है तो हम ज्यादा मात्रा में उसकी विरोधी चीज देकर उसको कम कर सकते हैं। तो ये जो सिद्धांत है ये मान के चलिए कि बॉडी को बैलेंस करता है। जो कुछ भी हमारी प्रकृति में है, जो कुछ भी चल रहा है, सीजन है, जो कुछ भी है, और हमारे शरीर के लिए क्या आवश्यक है उसको देना यानी सामान्य बढ़ाना, और जो नहीं है जिसको कम करना है ये विशेष करना, इस प्रकार से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सिद्धांत का महत्व था। तो ये काफी महत्वपूर्ण है सिद्धांत। अब हम इस सिद्धांत को आगे देखते हैं। इसके संदर्भ में जो श्लोक आया है वो चरक सूत्र स्थान का है, 1/44 and 45। चरक सूत्र स्थान की पहले अध्याय का 44 और 45 श्लोक, जिसमें कहा है, सर्वदा सर्वभावानां सामान्य रुद्धि कारणं रासेतु विशेषच प्रवृत्ति उभयस्तु सामान्यम एकत्वकरं विशेषस्तु पृथकत्वं तुल्यार्थता ही सामान्यम विशेषस्तु विपरीत। इसमें कहा गया है कि यह त्रिकाल सत्य है कि सभी द्रव्य की जो भाव होते हैं, सभी भावों में द्रव्य गुण कर्म ये तीनों चीजें आती है, कि रुद्धि का कारण सामान्य यानी समानता होता है, और विशेष यानी रास का कारण होता है। रास का मतलब होता है कम होना,
शरीर के साथ संबंध तो दोनों सामान्य और विशेष का रहता है। तीनों प्रकार के भाव का मतलब यहाँ पे द्रव्य गुण कर्म, किसी भी द्रव्य है उसके स्पेसिफिक गुण होते हैं और कर्म होते हैं। तो हम द्रव्य गुण कर्म इन भावों की समानता करके या फिर विशेष यानी उसके विरोधी गुण के द्वारा उसका ह्रास करके हम बैलेंस स्टेट मेंटेन करते हैं। सामान्य का मतलब होता है एकत्व, एकता करना, समानता कारक होता है। जबकि विशेष का मतलब होता है पृथकत्व, पृथक का मतलब अलग करने वाला, भेद बुद्धि कारक होता है। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, अगर किसी धान्य की राशि रखी हुई है यानी गेहूं की मान लीजिए राशि रखी हुई है यानी उसका ढेर लगा हुआ है विट यानी, तो उस विट की राशि में यानी धान्य के ढेर में अगर हम अलग से और मात्रा में गेहूं डाल देते हैं तो वहां पे उस गेहूं की वृद्धि होगी। लेकिन हम पहले जो था उसको और दूसरे डाले गए गेहूं को अलग नहीं कर सकते क्योंकि दोनों चीजें एकदम समान थी। यहां पे हमने जो चीजें थी उसमें समान चीजें डाल के उसकी वृद्धि की गई है। तो ये हो गया सामान्य। अब हम देखते हैं विशेष पृथकत्व जो होता है वो किस प्रकार से करता है। गेहूं के ढेर में अगर हमने दाल डाल दी तो उससे गेहूं तथा दाल ये विशेष होने पे पहचान में आ जाएंगे। गेहूं से दाल अलग होती है तो हम गेहूं और दाल को अलग कर सकते हैं। यहाँ पे जो धान्य था उसकी राशि की मात्रा तो बढ़ गई है लेकिन हम ये जान सकते हैं कि हमने उसमें कुछ अलग चीज डाली गई है तो हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो चीजें तो बढ़ गई है लेकिन यहाँ पृथकत्व है। अगर हम गेहूं में की मात्रा से और ज्यादा मात्रा में दाल दें वहां पे डालेंगे तो कंपेयर विथ गेहूं जो बीन्स होती है दाल होती है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। तो ये विशेष होने के कारण उसको अलग-अलग हम कर सकते हैं। अगर समान रहेगा तो बढ़ेगा, विशेष होगा तो विशेषता से हमें पता चल जाएगा कि अलग उसमें कुछ ऐड किया गया है। सामान्य द्रव्य के बारे में कहा गया है कि आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार जो द्रव्य शरीर के घटकों के समान होने के कारण शरीर घटकों की वृद्धि करते हैं उसे सामान्य द्रव्य कहते हैं। शास्त्र के अनुसार द्रव्य जो भी घटक शरीर के द्रव्य घटकों के समान होते हैं तो वो शरीर में वृद्धि करेंगे। जबकि विशेष द्रव्य वो होते हैं जो द्रव्य शरीर घटकों के अलग अभी तो विरुद्ध होने के कारण शरीर घटकों का ह्रास करता है यानी कम करता है उसे विशेष द्रव्य कहते हैं। इसके संदर्भ में एक श्लोक आया है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का 1/14, रुद्धि समानेह सर्वेशम विपरीतेर विपर्यह। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान पहले अध्याय का 14वां श्लोक। इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि समान गुण धर्म वाले पदार्थों के सेवन से उन उन दोष धातु मल की वृद्धि होती है और उन उनके विपरीत गुण वाले पदार्थों को सेवन करने से उनका क्षय होता है। यानी जो भी हम द्रव्य ग्रहण करते हैं वो जिस भी दोष धातु मल को बढ़ाने वाले होते हैं उनको बढ़ाएंगे। और जो भी हम द्रव्य ग्रहण करते हैं अगर वो स्पेसिफिकली जिस दोष धातु और मल को कम करने वाले होते हैं उसको कम करेंगे। ओके, तो जो भी हम आहार ग्रहण करेंगे उसका कुछ ना कुछ तो परिणाम ऐसा होगा जो किसी ना किसी दोष धातु और मल को बढ़ाएगा या फिर कम करेगा। तो बढ़ाया यानी वृद्धि किया तो समान हो गया और कम किया यानी क्षय किया तो वो विशेष हो जाएगा। इसके संदर्भ में एक हम एग्जाम्पल देखते हैं। उड़द दाल जो होती है जिसको हम लैटिन में उसका विग्मा मुंगो है, ये उड़द दाल से कफ की वृद्धि होती है। इसीलिए उड़द दाल कफ दोष के लिए सामान्य द्रव्य है क्योंकि वो उसको बढ़ाती है।
समानताधिकरण। लेकिन काला नमक कफ दोष को कम करता है, इसीलिए काला नमक कफ दोष के लिए विशेष होता है। इसी संदर्भ का लगभग इसी प्रकार का एक्सप्लेनेशन हमें चरक शरीर स्थान सिक्स बाय नहीं चरक शरीर स्थान के छठे अध्याय के 9वें श्लोक में मिलता है। तो समान होने के कारण हम वो नहीं देखेंगे, लेकिन वहां पे भी ये वर्णन मिलता है। यह आप के एमसीक्यू के दृष्टिकोण से आप याद रख सकते हैं। ये पीजी का एमसीक्यू हो सकता है कि पदार्थ विज्ञान की इस टॉपिक को अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में तथा चरक शरीर स्थान में कहाँ पे वर्णन किया गया है सामान्य विशेष को, तो आपको आप यहाँ पे ये चीजें बता सकते हो। तो उसका वर्णन जो हुआ है सामान्य विशेष का, वो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में किया गया है, वो 14वें अध्याय में चरक शरीर में किया गया है, सूत्र स्थान में पहले अध्याय में तथा शरीर स्थान में छठे अध्याय। अब हम सामान्य के और विशेष के तीन प्रकार में डिफरेंशिएट करके समझने की कोशिश करते हैं। सामान्य के प्रकार होते हैं द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य व कर्म सामान्य। ये जो उसके तीन भाव थे वही। अब इन तीनों को हम एग्जाम्पल के द्वारा ही समझ सकते हैं। अगर हम द्रव्य सामान्य देखते हैं तो मांस से शरीर के मांस धातु की वृद्धि होती है, यह द्रव्य सामान्य का उदाहरण है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में हमें मांस धातु की वृद्धि करनी है और उसने मांस धातु का ग्रहण किया और उसका योग्य तरीके से पाचन हो गया, तो उसके शरीर में मांस की वृद्धि होगी। जो द्रव्य शरीर में है उसी समान द्रव्य हमने उसको देकर उसके शरीर की वृद्धि की है, इसीलिए ये द्रव्य समान हो गया। मान के एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्पेसिफिक व्यक्ति का है, उसी ब्लड ग्रुप का दूसरा अगर हम रक्त उसको देते हैं एनीमिक कंडीशन में, तो क्या हो जाएगा, उसके शरीर की रक्त की वृद्धि हो जाएगी। तो समान चीजें हम अगर उसको देते हैं तो उसके वजह से उसको होने वाली वृद्धि को द्रव्य सामान्य कहते हैं। गुण सामान्य का उदाहरण है, द्रव्यों के समान गुण होने से होने वाली वृद्धि को गुण सामान्य कहते हैं। गेहूं गुरु गुण का होता है, मांस धातु भी गुरु गुण का है, इसीलिए गुरु गुणात्मक गेहूं मांस वृद्धि करता है। उसी समान गुरु स्निग्ध गुणात्मक होता है, मेद धातु भी स्निग्ध गुणात्मक होने से गुण सामान्य से गुरु से मेद की वृद्धि होती है। अब द्रव्यों के गुण समान है, इसीलिए अगर उसी गुणों के हम अगर दूसरे द्रव्य उस व्यक्ति को या पेशेंट को देते हैं तो उसकी वजह से गुणों की वृद्धि होकर समानता होती है, वृद्धि होती है। यहाँ पे दो एग्जाम्पल बताए गए हैं, गेहूं एक मैटर अलग है लेकिन शरीर का मांस धातु जो है होता है वो उसकी वृद्धि करता है। जब हम आहार गेहूं ग्रहण करते हैं अग्नि द्वारा, उसको पाचन होने के बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो गुरु गुणात्मक दोनों में होने के कारण वो मांस की वृद्धि करता है। तो ये गुण सामान्य हो गया। गुरु स्निग्ध गुणात्मक होता है और शरीर के अंतर्गत का मेद धातु भी स्निग्ध गुणात्मक होता है। तो अगर हमने मेद धातु को बढ़ाना है तो हम गुरु का सेवन करके मेद धातु की वृद्धि कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड है कर्म सामान्य। योग्य मात्रा में व्यायाम करने से मांस वृद्धि होती है, मांस सहनन बढ़ता है, इसीलिए योग्य मात्रा में व्यायाम मांस धातु के लिए कर्म सामान्य है। यहाँ पे हमने किसी भी प्रकार का द्रव्य की ग्रहण नहीं किया है, यहाँ पे हमने एक कर्म किया है जो है व्यायाम एक्सरसाइज। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर का जो मांस होता है उसकी वृद्धि होगी, या फिर जितना है वो उसका सहनन बढ़ेगा। सहनन का मतलब होता है टोन, मसल का टोन बढ़ेगा। तो हमने किसी भी प्रकार का द्रव्य ग्रहण नहीं किया गया है, लेकिन हमें जो कर्म मांस के ऊपर करना है वो हम कर सकते हैं कर्म के द्वारा। तो ये कर्म सामान्य का उदाहरण हो गया। अब हमने तीन एग्जाम्पल देखे, तो उसमें हमने यह देखा कि मांस धातु के ऊपर अगर प्रक्रिया होती है तो द्रव्य सामान्य में हमने मांस आहार लिया, गुण सामान्य में हमने गेहूं ग्रहण किया और कर्म सामान्य में
हमने व्यायाम किया। तो इस प्रकार से ये समानता के उदाहरण और समानता के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। इसके बाद हम विशेष के बारे में देखते हैं। विशेष के जो प्रकार होते हैं, विशेष के भी तीन प्रकार हैं, द्रव्य विशेष, गुण विशेष और कर्म विशेष। द्रव्य विशेष का एग्जाम्पल है, गूगल यह द्रव्य में धातु कम करता है। तो गूगल द्रव्य मेद धातु को कम करता है, इसीलिए अगर हमने उस रुग्ण को दिया जिसका मेद हमें कम करना है, तो गूगल के द्वारा मेद धातु को क्षय होगा। तो हमने एक द्रव्य दिया है गूगल, उसके द्वारा, उस द्रव्य के द्वारा उस व्यक्ति का मेद कम हुआ है, तो ये हो गया द्रव्य सामान्य। हमने ऐसी चीज दी है जो उस द्रव्य के द्वारा शरीर के किसी द्रव्य को कम करता है, तो ये द्रव्य विशेष का एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, दुग्ध यह द्रव्य पित्त दोष को कम करने वाला है। तो पित्त के लिए दुग्ध यह द्रव्य विशेष हो गया, पित्त को दुग्ध कम करता है, जो मिल्क है पित्त को कम करता है। अगर हमने दुग्ध सेवन किया तो उसके वजह से पित्त कम हो जाएगा, तो ये द्रव्य विशेष के एग्जाम्पल हुआ। उसके बाद गुण विशेष एग्जाम्पल देखते हैं, काली मिर्च जो होती है वो उष्ण गुण के कारण कफ को कम करती है, इसीलिए काली मिर्च कफ के लिए गुण विशेष है। काली मिर्च उष्ण गुणात्मक होती है, कफ दोष जो होता है वो शीत गुणात्मक होता है, इसीलिए अगर हमने काली मिर्च दी तो वो अपने गुण द्वारा शरीर के अंतर्गत कफ के गुण को कम करके कफ को कम करता है। तो ये गुण विशेष का एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, तैल उष्ण व स्निग्ध गुण से वात दोष को कम करता है, इसीलिए तैल वात के लिए गुण विशेष है। जो तेल होता है वो उष्ण गुण का है, वो स्निग्ध है, और जो वात होता है वो शीत होता है और रुक्ष होता है। तो हमने तेल के उष्ण और स्निग्ध गुण का परिणाम करके क्या किया है, वात के रुक्ष और शीत गुण को कम किया है, और इस प्रकार से हमने उसे गुण को कम करके ट्रीटमेंट की है। तो ये भी गुण विशेष का एग्जाम्पल हुआ। कर्म विशेष का एग्जाम्पल देखते हैं, व्यायाम से मेद धातु का क्षय होता है। अब ज्यादा मात्रा में अगर एक्सरसाइज करें, कम मात्रा में करेंगे तो थोड़ी वृद्धि होती है, उसका टोन बढ़ता है, लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में करेंगे तो मांस का क्षय होता है, इसीलिए व्यायाम मेद धातु के लिए कर्म विशेष है। ज्यादा मात्रा में करोगे तो अपने आप कम हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, तेल अभ्यंग से वात क्षय होता है, इसीलिए अभ्यंग यह कर्म वात के लिए विशेष है। तेल अभ्यंग जो होता है उसके द्वारा शरीर का स्नेहन किया जाता है, क्योंकि स्निग्ध गुणात्मक होता है तेल, और अगर ये अभ्यंग करते हैं तो स्निग्ध गुणात्मक तेल का एप्लीकेशन करने की वजह से रुक्ष गुणात्मक वात का शरीर में क्षय होगा, इसीलिए तेलाभ्यंग यह कर्म विशेष का उदाहरण है। अब ये थे विशेष और सामान्य के प्रकार। उसके बाद हम जो श्लोक के अंतर्गत की एक लाइन है उसको समझने का प्रयास करते हैं। प्रवृत्ति उभयस्तु, प्रवृत्ति उभयस्तु का मतलब होता है जब सामान्य तथा विशेष द्रव्य शरीर के संपर्क में आते हैं तभी शरीर घटकों की वृद्धि तथा ह्रास होता है। शरीर घटकों का ह्रास यानी क्षय होना तथा वृद्धि होना यह नैसर्गिक प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति यानी स्वभाव तथा कल यानी टेंडेंसी या इंक्लिनेशन। प्रवृत्ति का मतलब होता है एक नेचुरल टेंडेंसी, स्वभाव जो होता है। जब कभी कोई भी आहार हम ग्रहण करते हैं या कोई भी विहार हम लेते हैं, वो किसी भी शरीर के संपर्क में आने के बाद जिसके समान होगा उस शरीर घटकों को बढ़ाएगा, और किस अगर विरोधी रहेगा तो उसका ह्रास करेगा। तो ये विशेष के अंतर्गत आता है। ये कहना है कि ये नेचुरल टेंडेंसी होती है। अब प्रवृत्ति उभय जो होती है, तो उभय प्रवृत्ति के हम एग्जाम्पल देखेंगे। स्थूल
स्थूल व्यक्ति में जड़ता होती है, हेवीनेस होता है। यह जड़ता दूर करने के लिए यानी वजन कम करने के लिए उस व्यक्ति का व्यायाम करने की इच्छा होगी, इसीलिए व्यायाम यह स्थूलता में शरीर की प्रवृत्ति बनती है। तभी व्यायाम कर व्यक्ति स्थूलता दूर करने का प्रयत्न करता है। कोई भी व्यक्ति अगर स्थूल होगा, अगर उसके मन में ये भाव है कि हमें जो हैवीनेस है उसको कम करना है, तो नॉर्मली ही उसके दिमाग में ये आएगा कि हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर उसने आलस नहीं किया और बॉडी ने जो उसको इंडिकेशन दिया है उसके द्वारा उसने अगर एक्सरसाइज की, तो वो अपने स्थूलता को कम कर के अपने आप को मेंटेन कर सकता है। ये सामान्य टेंडेंसी है स्थूल व्यक्ति की, जो उसे अपने आप पता चलती है। अगर उसके ऊपर वो अमल करता है तो अपने आप को स्थिर अवस्था में ला सकता है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, अतिश्रम स्ट्रेनस एक्सरसाइज से थकान होती है। जब निद्रा लेकर विश्रांति पाना यह शरीर की प्रवृत्ति होती है, इस कारण विश्रांति पाकर थकान नष्ट होती है। अगर कोई भी व्यक्ति ज्यादा मात्रा में श्रम करता है तो अपने आप उसे थकान आती है, और उसके बाद अगर वो विश्रांति लेता है, निद्रा लेता है, तो अपने आप उसकी थकान जो होती है वो दूर हो जाती है। तो श्रम के बाद विश्रांति लेना ये एक सामान्य टेंडेंसी है, ये उसकी प्रवृत्ति है। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं, अपचन होने पर लंघन करने की इच्छा होती है, भूख लगने पर खाने की इच्छा होती है, प्यास लगने पर पानी पीने की इच्छा होती है। यह प्रवृत्ति शरीर में सतत निर्माण होती रहती है। अगर आपको इंडाइजेशन हुआ है तो आपकी खाने की इच्छा नहीं होगी, और बाकी जो भी स्टिमुलेशन है, हंगरी की स्टिमुलेशन है, ओके, उसके बाद प्यास लगी है उसकी स्टिमुलेशन है, तो ये सभी प्रवृत्तियां शरीर में होती है। जो भी शरीर में कम होता है उसकी मांग शरीर करता है, और जो भी बड़ा है उसको कम करने के लिए भी इंडक्शन देता है। अब टेक्निकल क्लिनिकल एग्जांपल हम उसके लिए एक देखते हैं। रक्त क्षय में अम्ल शिशिर वृत्ति यह प्रवृत्ति का उदाहरण है, कारण अम्ल रस जो होता है रक्त वर्धक होता है। शरीर में रक्त कमी होने पर अम्ल पदार्थ खाने की इच्छा होती है। इस प्रकार शरीर में कम हुए घटक पाना व ज्यादा हुए घटकों का ह्रास करना, ऐसे दोनों प्रवृत्तियां शरीर की होती है। रक्त क्षय में एक मुख्य लक्षण मिलता है जिसको कहते हैं अम्ल शिशिर वृत्ति। अम्ल का मतलब होता है अम्ल रस, और वृत्ति का मतलब अब होता है विशिष्ट लगा। तो जब भी रक्त क्षय होता है उसमें खट्टा खाने की इच्छा होती है। नॉर्मली इंडिया में ये देखा जाता है कि प्रेग्नेंट वुमन को खट्टा खाने की इच्छा होती है, क्योंकि इंडिया में मुख्यतः वुमेन्स में एनीमिया पाया जाता है। जो हीमोग्लोबिन है उसका फीमेल में नॉर्मल जो परसेंटेज कहा गया है वो 12 से 14 होता है, लेकिन इंडियन वुमन में ज्यादातर अगर आप देखोगे तो 10 से 12 ही मिलता है। तो इसीलिए उसे खट्टा खाने की इच्छा होती है, क्योंकि नया जीव शरीर में निर्माण हो रहा है। अब नया जीव निर्माण हो रहा है तो उसके तरफ भी ब्लड का फ्लो जा रहा है, तो कुछ चीजें उसको बढ़ानी होगी, तो इसीलिए उसमें ये टेंडेंसी क्रिएट होती है। फॉरेन में ये टेंडेंसी नहीं देखी जाती, क्योंकि फॉरेन में हीमोग्लोबिन का परसेंटेज फॉल डाउन नहीं होता। ये विशिष्ट लक्षण हमें इंडिया में पाया जाता है, मतलब जहां पे भी अगर रक्त कम होता है तो इस प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होती है। ये नॉर्मल टेंडेंसी है बॉडी की। बॉडी को जो भी चीजें लगती है वो अपने आप उसके इंडिकेशन हमें देती है। ये शरीर में कोई भी चीज अगर बढ़ गई है तो उसको कम करने के लिए भी इंडिकेशन देती है। तो शरीर की मांग होती है, शरीर ने बताए हुए हमें जो इंडिकेशन होते हैं वो हमें समझने चाहिए और उसको हमें फॉलो करना चाहिए, तभी हम अपनी प्राकृत अवस्था या फिर स्वस्थता मेंटेन कर सकते हैं।
प्रवृत्ति यानी शरीर से मिलने वाली सूचनाओं का योग्य पालन करें तभी आरोग्य टिका रहता है। स्वस्थ रक्षण तथा सामान्य विशेष सिद्धांत, इसके संदर्भ में एक और श्लोक चरक सूत्र स्थान 7/41 पर आया है। विपरीत गुणस्तेषा स्वस्थ रुत्तर विधिहिता, चरक सूत्र स्थान 7वें अध्याय का 41वां श्लोक। स्वस्थ रक्षण के लिए प्रकृति के विरुद्ध गुणों का आहार हितकर होता है। एग्जाम्पल, वात प्रकृति में वात दोष का रुक्ष गुण कम करने के लिए आहार में स्निग्ध घृत तेल का इस्तेमाल करना हितकर होता है। स्वस्थ रक्षण के लिए हमें प्रकृति के विरुद्ध गुणों का आहार करना चाहिए, तभी हम अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। और वैसे टेंडेंसी बॉडी की भी होती है। वही एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया है कि अगर वात प्रकृति का व्यक्ति है तो उस व्यक्ति में वात दोष ज्यादा रहेगा और उसके कारण उसमें रुक्षता हमें मिलेगी, क्योंकि वो उसका प्रधान गुण है। तो आहार में अगर हम स्निग्ध गुणात्मक घृत का सेवन करते हैं और एक्सटर्नली हम तेल का अप्लाई करते हैं तो उसके वजह से क्या होगा, उस व्यक्ति के वात कम होगा, समाप्त नहीं होगा, कम होगा। तो ये मेंटेन करने के लिए हमें अपने प्रकृति के विरोधी आहार द्रव्यों का सेवन तथा विहार करना चाहिए, जो प्रकृति होती है उसके विरोधी। ये आप ऋतुचर्या में काफी अच्छे से समझोगे। इसके संदर्भ में एक और श्लोक है जो शारीर गुण का है। शारीर गुण गुरुवादी गुण भी कहा जाता है, उसकी संख्या 20 है। अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान के 1वें अध्याय का 18वां श्लोक, अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान 1/18 और अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के भी 1वें अध्याय का 18वां श्लोक, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 1/18। गुरु मंद हिम स्निग्ध लक्षण सांद्र मृदु स्थिर गुण ससूक्ष्म विशदा विंशति स विपर्य। यहाँ पे गुरुवादी गुण बताए गए हैं, इसमें 10 गुण इस श्लोक में बताए गए हैं और इसके विरोधी गुण जो होते हैं वही गुरुवादी गुण है। तो इसकी 10 पेयर्स है और इस प्रकार के 20 गुण है। ये यहाँ पे इसलिए मैंने कहा है क्योंकि सामान्य और विशेष सिद्धांतों का यूज कर ही गुरुवादी गुण के बारे में बतलाया गया है। और गुरुवादी गुण आपको दोष समझने के लिए या फिर किसी भी व्याधि में चिकित्सा के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो हम जो 8वां सिद्धांत देखेंगे द्रव्य गुण कर्म, उसमें गुण कौन से है वो देखेंगे और सिद्धांत समाप्ति के बाद हम एक और ऑडियो लेंगे जिसमें हम जो गुण है जो गुरुवादी गुण बताए हैं उसको डिटेल में उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, क्योंकि वो हमारे सब्जेक्ट के दृष्टिकोण से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी क्रिया तथा पदार्थ विज्ञान में है, उसके बाद फिर संहिताओं में भी आते हैं और ट्रीटमेंट के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी प्रकार के दोष धातु मलों में का वर्णन गुरुवादी गुणों के द्वारा ही किया गया है। तो हमें ये पता चलता है कि उसके विरोधी किस प्रकार की ट्रीटमेंट हमें लेनी चाहिए। तो इसीलिए गुरुवादी गुण एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो जब हम सिद्धांतों को समाप्त करेंगे तब उसको हम डिटेल में लेंगे। तो आज के ऑडियो में हमने काफी अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल के द्वारा सामान्य विशेष सिद्धांत देखा है और उसका इम्पोर्टेंस देखा है। तो ये सामान्य विशेष सिद्धांत ट्रीटमेंट में काफी महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए इसे समझना आवश्यक है। ओके, तो ये था 5वां सिद्धांत। इसके नेक्स्ट ऑडियो में हम रोग आरोग्य कारणम यानी रोग तथा आरोग्य के क्या कारण है, क्या रीजन है, यह सिद्धांत देखेंगे। तो आपको सिद्धांत समझ ही गया होगा। ओके, थैंक यू।